देगा कि आपको मैथ स्टार्ट कहाँ से करना है और बिगिनर से लेके हीरो तक कैसे पहुंचना है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हु दे विल ट्राई। इसका हिंदी में अगर हुआ तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मैथमेटिक्स किस लेवल का आता है एसएससी के किसी भी एग्जाम में। उसके बाद हम जानेंगे कि मैथमेटिक्स कितने क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, मैथमेटिक्स का रोल क्या है, पहले रोल क्या था, अब रोल क्या है, मैथमेटिक्स आपको पढ़ना कैसे है, आपको कौन से टीचर को फॉलो करना है। अगर आप अपने ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में हैं और आप पीएचडी तैयारी करने की कोशिश सोच रहे हैं तो आपको कौन से टीचर को फॉलो करना है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इंस्पेक्टर कृष्ण के में। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। ये वीडियो उनके लिए होने वाला है जो तैयारी में नए आने की कोशिश कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं या जो सोच रहे हैं कि मैथ को स्टार्ट कैसे करें, जिनका मैथ ऐसा लगता है कि उससे बड़ा दुश्मन कोई है ही नहीं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा कि आपको मैथ स्टार्ट कहाँ से करना है और बिगिनर से लेके हीरो तक कैसे पहुँचना है, बिगिनर से लेके एक्सपर्ट तक कैसे पहुँचना है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना। उससे पहले मैं आपको एक कोड बताऊंगा और वो कोड दिया है अलेक्जेंडर द ग्रेट ने, और उसने कहा था कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हु दे विल ट्राई। इसका हिंदी में अगर अनुवाद करें तो इसका मतलब ये है कि उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है जो प्रयास करते हैं। और अगर आप प्रयास कर रहे हैं, अगर आपके प्रयास में 100% सच्चाई है, ईमानदारी है, तो आप भी एक दिन सफल जरूर होंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप जल्दी सफल हों। चलिए, ये वीडियो मेनली फोकस्ड होगा आपको कि मैथ्स स्टार्ट कैसे करना है, मतलब कि अगर आप पहली बार तैयारी करने घुस रहे हैं तो आपको कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मैथमेटिक्स किस लेवल का आता है एसएससी के किसी भी एग्जाम में। उसके बाद हम जानेंगे कि मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, मैथमेटिक्स का रोल क्या है, पहले रोल क्या था, अब रोल क्या है, मैथमेटिक्स आपको पढ़ना कैसे है, आपको कौन से टीचर को फॉलो करना है, किसका कोर्स लेना है, कौन सी किताब लगानी है, मॉक टेस्ट कौन सा देना है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो पे साथ बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये है कि जो भी तैयारी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं अभी, वो चाहे मैथ बैकग्राउंड से हो या मैथ बैकग्राउंड से ना हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, जितना आपके दिमाग में हुआ बना हुआ है कि मैथ्स बहुत टफ है, बहुत टफ है, तो बिल्कुल चिंता मत करिए, इस वीडियो के बाद वो आसान हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, मैथमेटिक्स जो है 10th लेवल का आता है ऐसा उसमें लिखा होता है नोटिफिकेशन में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लेवल का तो 10th ही होता है, लेकिन उसमें बहुत अच्छा लेवल का होता है, मतलब कि आपको तैयारी करनी पड़ेगी अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो, जो कि बहुत आसान है। मैं आपको बताऊंगा कि तैयारी कैसे करनी है। दूसरी चीज़, मैथमेटिक्स का रोल पहले बहुत ज़्यादा था सीजीएल में या एग्जाम में, सीजीएल स्पेशली, और सारे में तो भी वैसा ही है, लेकिन सीजीएल में बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैथमेटिक्स सबसे पहले 125 क्वेश्चन आते थे और 125 क्वेश्चन का मतलब होता है 250 नंबर। लेकिन 2022 से ये पैटर्न चेंज हो गया और मैथमेटिक्स के अब टोटल सवाल आते हैं, 25 सवाल आते हैं प्री में और 30 सवाल आते हैं मेंस में। टोटल अगर नंबर आप देखें तो 25 सवाल आपके जो होते हैं वो नंबर 50 के होते हैं, लेकिन वो क्वालिफाइंग होता है, और जो मेंस में 30 सवाल होते हैं वो 90 नंबर के होते हैं, जिस पे आपकी मेरिट बनती है। तो अब सवाल आपको 90 नंबर का करना है, और 90 में से जितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं उतना अच्छा है, और 90 में से 90 भी स्कोर किया जा सकता है, इतना ईजी है मैथमेटिक्स। दूसरी बात, अगर आप अपने ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में हैं और आप सीजीएल की तैयारी करने की कोशिश सोच रहे हैं, तो आपको अभी से तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब करनी स्टार्ट कैसे करनी है, सबसे पहले आपको देखना होगा अपना बेस, कि आपका बेस कहाँ लाई कर रहा है। अगर आपका बेस ठीक ठाक है, आप बैकग्राउंड आपका ठीक ठाक रहा है मैथमेटिक्स का, तब तो आप अच्छा कर पाएंगे। लेकिन अगर मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड नहीं रहा है तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले आपको करना क्या पड़ेगा, जब आप थर्ड ईयर में हैं तो आप 6 महीने पहले अपने रिजल्ट से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। सबसे पहले आपको करना है कैलकुलेशन। आप अपना पेज लीजिए, एक पेज लीजिए, कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए, आप अपने मन से जो कैलकुलेशन दिमाग में आता है, 95 × 100, 95 × 99, 98 × 97, 87 × 85, 87 × 90, मतलब जो भी आता है आपको मल्टीप्लिकेशन करिए, डिवीजन करिए, एडिशन करिए, सब्सट्रैक्शन करिए, चारों मैथमेटिकल ऑपरेशन अपने मन से करिए रोज आधे घंटे। आपका वहाँ से कैलकुलेशन का बेस मजबूत हो जाएगा और आपका थोड़ा सा मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन में इंटरेस्ट आ जाएगा। और सारा खेल आजकल सीजीएल में है कैलकुलेशन का, जितनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन होगी उतना अच्छा आप स्कोर करेंगे। इस बात को बिल्कुल पॉइंट आउट करके दिमाग में बिठा लीजिएगा, आपकी कैलकुलेशन ठीक नहीं है आपका पेपर अच्छा नहीं होगा, चाहे आपको कितनी भी नॉलेज हो। ठीक है, अब आपको कौन से टीचर को फॉलो करना है। टीचर 2-3 हैं, सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। सबसे पहले आप उन सारे टीचर्स का वीडियो देखिए यूट्यूब पे, जैसे गगन प्रताप हो गए, आभास सैनी हो गए, पवन राव सर हो गए, राकेश यादव सर हो गए, इन लोगों का जो वीडियो है आप पहले यूट्यूब पे देखिए, सारे वीडियो जिनके सारे बहुत सारे फ्री कंटेंट पड़े हुए हैं, वहाँ से आप ये देखिए कि आपको किस टीचर का ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है।
किस टीचर को आप कैच कर पा रहे हैं, किस टीचर से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। पहले आप इस चीज़ को देखिए, दो चार वीडियो देख के आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस टीचर का सबसे अच्छा समझ में आ रहा है। जो टीचर का आपको समझ में आ रहा है आप उस टीचर का कोर्स खरीद लीजिए। कोर्स आजकल बहुत सस्ते मिल जाता है, 500-600 रुपये में कोर्स मिल जाता है, तो आप उस टीचर का कोर्स खरीदिए और उसके बाद जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे पढ़ाई स्टार्ट करिए अपने मैथमेटिक्स का। ईजी होता है, पहले अर्थमेटिक करिए फिर एडवांस करिए, परेशान नहीं होना है। आपको शुरू में दिक्कत होगी, चीज़ें समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैथमेटिक्स का नाम ही है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको भले ही शुरू में 2+2=4 ना आता हो, लेकिन अगर आपको बोला जाएगा मैथमेटिक्स सीखने के बाद, तो आप 2+2=5 भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इस लेवल का आप मैथ पहुंच सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। बाकी ये मजाक के लिए था। तो आपको टीचर समझ में आके कैसे चूज़ करना है। उसके बाद रही बात बुक की, तो वहाँ से जहाँ से आप टीचर को चूज़ करेंगे वहाँ से मटेरियल आपको एम्पल मटेरियल मिलता है, एडिक्वेट मटेरियल मिलता है, आप वहाँ से मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन CGL में, SSC में आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको प्रीवियस ईयर का घोल बनाना होगा ऐसे, और उसको पी जाना होगा। प्रीवियस ईयर का घोल आप बनाएंगे कैसे, किरण पब्लिकेशन की किताब आती है, ये होती है SSC की मैथमेटिक्स की, किरण की पब्लिकेशन की किताब है। इस किताब के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल बस मैं इतना बता देता हूं कि ये रामबाण है आपके CGL के एग्जाम के लिए, SSC का कोई भी एग्जाम दे रहा हूं, क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे तरीके से दिए हैं ग्राफिक हिसाब से, कि आपको कौन से चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से चैप्टर पर कम ध्यान देना है, किस चैप्टर से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, सब कुछ इसमें बताया हुआ है। आपको इस किताब को खरीदना और इसी किताब से प्रैक्टिस करनी है, इसको घोल बनाना है और पी जाना है। ठीक है, किताब क्लियर हो गया, प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी क्लियर हो गया, कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है क्लियर हो गया, टीचर कैसे चूज़ करना क्लियर हो गया। अब बात आती है मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट के लिए मैंने आपको बताया, मेरे वीडियो पर जाके आप देख सकते हैं कि आप फ्री में मॉक कहाँ से दे सकते हैं। बाकी मैं अपना मॉक खुद ले आने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत जल्दी ही आपके पास होगा, तो वो बहुत ही बढ़िया लेवल का मॉक होगा, जिससे आपका जो कंप्लीट सिलेबस होगा, क्योंकि जैसा कि आपने मेरा इंटरव्यू देखा होगा कहीं भी, मैंने अपनी तैयारी सारी मॉक से की है, तो मुझे मालूम है कि मॉक कैसा होना चाहिए जिससे आपका सिलेबस पूरा मॉक से ही कंप्लीट हो जाए। तो मैं उस तरीके का ही मॉक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप अगर 100-200 मॉक्स दे देते हैं एग्जाम से पहले, तो आपका 70% सिलेबस वहीं से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी तैयारी करने की एक मैथमेटिक्स की स्ट्रेटेजी। अगर आप शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं तो अंत तक कैसे पहुंचना है, ये पूरा उसका स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी थी। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बाकी आपको कोई दूसरा डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, आपको कमेंट कर दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा। जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, खुले मन से पूछिए, बिल्कुल आपका अभिनंदन है कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए चलता हूँ, नमस्कार, जय हिंद।